हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया खबर आई है। अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी को एक ऑर्डर जारी करा है, जिसमें उन्होंने लगभग 1,000 मेंस की कॉपीज़ डिमांड करी हैं। जी हाँ, 1,000 मेंस की कॉपीज़ डिमांड करी हैं इवेल्युएशन के लिए एक और बार। क्यों? क्योंकि ये अंदाज़ा लगाई 64th बीपीएससी जो हुआ था, और 64th बीपीएससी का बैच इस समय ट्रेनिंग भी कर रहा है। जी हाँ, इस समय 64th बीपीएससी में डिप्टी एसपी एसडीएम जितनी सिलेक्ट हुए थे, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोर्ट में ये पटिशन डाली गई थी एक एस्पायरेंट द्वारा, जिसका मेंस में 5 नंबरों से रह गया था। बिहार में आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा होती है कि आप अपनी मेंस की कॉपी एक बहुत न्यूनतम शुल्क देकर निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक खबर फैल गई छात्रों में कि मेंस के मार्क्स देने में कुछ धांधली हुई है, कुछ इवेल्युएशन करने में कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। इसीलिए एक ही छात्र नहीं, बहुत छात्रों ने कोर्ट में केस करा, और जिसके तहत कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली समझा है, इस मैटर को संज्ञान में भी लिया है, और नतीजा आपके सामने है कि उसने 1,000 मेंस की कॉपीज डिमांड करी हैं बीपीएससी से, जो कि उन्हें देनी पड़ेगी इवेल्युएशन के लिए। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं कि नंबर्स को फिर से लिखा गया है, ओवरराइट करा गया है, या फिर नंबर्स को रीराइट करा गया है, मार्क्स को सॉरी, या फिर किसी प्रकार की भी इसमें अगर दिक्कत पाई गई है, कोर्ट देखना चाहता है कि क्या ये सच है। और इस पे ये खुशखबरी है, हालांकि इसके एक और पहलू ये भी है कि ऐसी रेट्स असल में अगली भर्तियों को असर कर देती हैं। हालांकि आप जानते हैं कि इस समय 67th बीपीएससी बिल्कुल करीब है आपके आने वाला है। ये पॉजिटिव इस रिलेशन में है कि इससे कमीशन पे सख्ती बढ़ेगी, कोर्ट अगर टाइमली डिसीजन ले, ना कि इतनी पुरानी पुरानी वैकेंसीज पे डिसीजन ले। चलिए कोई बात नहीं, खबर आपके लिए थी जो कि आपके हित में है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही एक्टिव मतलब कोर्ट के डिसीजंस अदर कमीशन में भी लिए जाएं, और अगर किसी प्रकार की धांधली यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या किसी अदर स्टेट पीसीएस में पाई जाती है, तो वहाँ पे भी कोर्ट मैटर को सीरियसली लेकर छात्रों के हित में निर्णय ले, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर टिका हुआ होता है। देखिए, छात्र का मात्र 5 नंबरों से रिजल्ट रुका होगा, उसको कितना बुरा लगा होगा। और अगर ये बात, बस बहुत लोग कह रहे हैं कि किसी एक के रुकने की वजह से कोर्ट जाके पूरा रिजल्ट के रुक देना चाहिए इन केस, मगर देखिए, अगर कहीं धुआं है मतलब वहाँ आग है। कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली इवेलुएट करा, हियरिंग्स हुई, उसके बाद ही निर्णय लिया कि कॉपीज़ वापस मंगाई जाए या कॉपीज़ खुद कोर्ट देखेगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है आप सबके लिए। बाकी बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, फॉलो करिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पर भी, और अपडेट्स के लिए साथ ही साथ हमारे डेली करंट अफेयर्स, जो कि हम आपको बेहतरीन डिज़ाइन पोस्ट के माध्यम से आपको देते हैं। बाकी दैट्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे।